थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट की चेंज होती है, तब्दील होती है, यानी जो भी प्रॉपर्टी है, एट्रीब्यूट है, कैरेक्टरिस्टिक है बॉडी की, ऑब्जेक्ट की, वो चेंज होती है टेम्परेचर के साथ, इसको हम कहते हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। अलग अलग थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी जो थर्मोमीटर्स की, यानी हमारे पास, क्योंकि थर्मोमीटर्स जो किसको मेजर कर रहे हैं, थर्म को मेजर कर रहे हैं, और थर्म का मतलब होता है कि भाई हीट है, कुछ एनर्जी हम कर रहे हैं। तो अलग अलग जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज हैं वो हम देख रहे हैं। एक तो प्रेशर है गैस का कांस्टेंट वॉल्यूम पे, यानी कि P1 by T1 equal to P2 by T2, और साथ में जो PT है वो बराबर होता है P0 1 plus T by 273। एक और रिलेशनशिप है इसमें, T equal to PT minus P0 by P100 minus P0 into 100, ये डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें जो P है, और आप कहें P100 है या PT है, ये सारे के सारे जो आप देख पा रहे हैं, ये सारे आपके प्रेशर हैं। ये प्रेशर है 0 degree पे, अगर P0 माने तो P0 ये 0 degree पे, P100 आपका 100 degree पे, देखिए P0 आपका 0 degree पे, P100 आपका 100 degree पे, और ये जो PT है ये आपका T degree पे। ये जो कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर है, ये टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक मेजर करते हैं, ये इसकी इनकी रेंज है। अब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस अगर मटेरियल या मेटल्स का देखें आप, क्योंकि रेजिस्टेंस जब बात करते हैं, मेटल्स की बात होती है, तो ये जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मेटल का, इसको दिया जाता है RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। अल्फा और बीटा ये मेटल के लिए कॉन्स्टेंट्स है। अब अगर बीटा बहुत ही छोटा है तो आप इसको हटा सकते हैं, सीधा RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी भी ले सकते हैं। इसमें अल्फा क्या था फिर? अल्फा था जो रेजिस्टेंस है उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या है, यानी टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा होता है। और जो R0 और RT आपने देखा वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, ये 0 degree पे, ये T degree पे। तो अल्फा का कैसे निकल के आया? R2 माइनस R1 बाय R1 T2 माइनस R2 T1। इसमें R1 और R2 आप जो देख रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, ये टेम्परेचर T1 पे और ये टेम्परेचर T2 पे। तो टी कैसे निकल के आएगा? RT माइनस R0 बाय R100 माइनस R0 इंटू 100 degree सेंटीग्रेड। इसमें R100 जो है रेजिस्टेंस है 100 degree सेंटीग्रेड पे। जो प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर होता है, अगर आप इसको जब थ्योरी में देखेंगे तो इसका रेंज देखिए, ये टेम्परेचर यहाँ से यहाँ तक मेजर कर सकता है। अब लेंथ है मर्करी कॉलम की किसी कैपिलरी ट्यूब में, तो LT आपका है L0 1 प्लस अल्फा टी। अल्फा क्या है इसमें? क्योंकि लेंथ की बात हो रही है तो ये लीनियर एक्सपेंशन है, कौन कोएफिशिएंट है लीनियर एक्सपेंशन का। L0 इसमें आपका लेंथ है मर्क्यूरी कॉलम का 0 degree पे, LT है आपका जो लेंथ मर्क्यूरी कॉलम T degree सेंटीग्रेड पे।